हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पोल99 और आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक वीलॉग करने वाले हैं और अभी मैं गोल गोल मजे के लिए घूम रहा हूँ, बट हाँ आज हम एक वीलॉग करने वाले हैं जो कि होने वाला है मेरे 3080 TI के आने का, क्योंकि अपेरेंटली आज आना चाहिए जो कि उसने बोला था कि आज आ जाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि जयपुर में सैटरडे संडे मंडे को क्लोज रहती है दुकानें, तो आज मंडे है तो आई डोंट नो कि आ जाएगा नहीं आएगा, बट मैं आज ये चालू कर रहा हूँ और जिस दिन ये आएगा उस दिन समझ जाना मेरी RTX 3080 Ti भी आ गई। तो हम आखिरी क्या कहते हैं आखिरी गुड बाय देने वाले हमारे 970 को जिस दिन भी वो आएगा, क्योंकि उसके बाद शायद मैं कभी उसको यूज नहीं करूंगा। आई डोंट नो बिकॉज अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल अगर इंटेल DDR5 ले आए और PCI Gen 5.0 ले आए या PCI Gen 5 ले आए, तो फिर मैं एक और नया PC ले लूँ, तो ये जो PC है वो सेकेंडरी PC होगा, वो गेमिंग PC बन जाएगा, बट वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और कितने पैसे खट्टे हो जाते तब तक उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस साल बहुत खर्चा होने वाला है और ये आई बिलीव सो या तो नंबर वन जो सबसे महंगी चीज है ये कार्ड होने वाला है इस साल का जो मैं अनबॉक्स करूंगा, या तो सेकेंड नंबर पे होने वाला है, अभी उसका आइडिया नहीं है, वो सितंबर अगस्त के आसपास पता चलेगा और अभी मैं बता नहीं रहा कि अनबॉक्स करूंगा, ये पता है कि क्या लेने वाला हूँ बट अभी पक्का नहीं कि कौन सा मॉडल लेने वाला हूँ, तो उस पर डिपेंड करता है। और आई गेस इसकी शुरुआत करते हैं और अगर आप लोगों को मजा आएगा तो लाइक करना, और अगर आप लोगों को और ऐसे वीलॉग चाहिए तो उसके लिए भी लाइक करना बनता है और नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्या अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर। और अभी एक जब मैं अक्टूबर सितंबर के आसपास एक और चीज लूंगा उस टाइम भी मैं एक वीलॉग करने की सोच रहा हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता। तो अभी आप लोग जैसे देख पाएंगे, एक सेकंड में कैमरा स्विच करता हूँ, जैसे आप लोग देख पाएंगे 8GB रैम है, ये मैंने प्लास्टिक कभी हटाया नहीं अपने केस से, और जो ये MSI दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये अगर फोकस करे बाय चांस तो ये जो लाइट जल रही है वो है मेरा ग्राफिक कार्ड जिसपे सिर्फ ये लोगो है, और जो मैंने अभी ग्राफिक कार्ड लिया है वो है MSI सुप्रीम एक्स NVIDIA RTX 3080 Ti। अब गूगल पे सर्च मार के देख लो, वो 3090 फाउंडर्स एडिशन से भी ज्यादा FPS देता है, और जब उसे ओवरक्लॉक करूंगा तो वो ऑलमोस्ट 3090 जितनी FPS देगा। तो जो MSI का सबसे बेस्ट वाला मॉडल है वो लिया है तेरे भाई ने, हमारा आप लोगों के भाई ने। तो अब यहाँ पे बस थोड़ी सी टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ा चेक करना है कि क्या कहते हैं मैं SSD कौन सी लूँ, मेरे को एक लेनी है SSD, क्योंकि अभी जैसे रैचेट एंड क्लैंक आएगा तो उसको मैं 4K और लॉसलेस में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और मेरे को देखना है कि बिटरेट कितनी होगी, अगर बिटरेट 5GBPS से कम हुई देन आई विल बाय SATA SSD, अगर 5GBPS से ज्यादा हुई तो मैं NVMe SSD लूंगा और उसको रेड में लगाऊंगा जो कि होने वाली 1+1 TB, तो होने वाली 2 TB, और उसको मैं रेड फॉर्मेट में लगाऊंगा जैसे मेरे को फुल स्पीड भी मिले, और साथ ही साथ में अगर एक ड्राइव फेल होती है तो दूसरी पे मेरा बैकअप बना रहे। तो अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी देखते हैं आज के दिन क्या खास होता है, अगर आज कार्ड आता है नहीं आता। आज मंडे 7 जून है और टाइम अभी आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ा ब्लरी है, बहुत उसके लिए सॉरी, बट थोड़ा हाथ हिल रहा है मेरा, अभी जस्ट जगा हूं मैं थोड़ी सी देर पहले। तो अभी ये जस्ट मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ, PS5 खोल चुका हूं मैं जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और अभी टेस्ट करते हैं फिर आज का दिन में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और अभी एक सेकेंड में मिलता हूँ वापस आई गैस। ओके गाइस, ब्रेकफास्ट टाइम, और ये हो चुका है हमारा पोहा तैयार जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और अब उसमें हम डालेंगे भुजिया बीकाजी वाली, और अब साथ ही साथ में ये अगर जूम इन करें, ज्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन द रॉक का मैच चल रहा है, द रॉक का वो आ रहा है WWE ब्लॉकबस्टर, उसमें जो द रॉक का बेस्ट मैचेस है वो शो हो रहे हैं, तो साथ WWE एक्स बोहा एक्स नमकीन इक्वल्स टू फन एंड वेटिंग फॉर माय RTX टन टन टन। ओके गाइस, अपेरेंटली जो मैंने लिया है ग्राफिक कार्ड वो सुप्रीम एक्स नहीं है, वो केवल सुप्रीम है, वो सुप्रीम एक्स थोड़ा सा मतलब स्पीड में कम है, और गेमिंग मतलब ये आता है जो मेरा वाला कार्ड है वो सुप्रीम एक्स और गेमिंग एक्स ट्रियो के बीच में, गेमिंग एक्स ट्रियो की क्लॉक स्पीड है 1770, मेरे वाले नहीं
हाँ ऐसी कुछ है 1770, मेरे वाले की 1780 समथिंग, और जो सुप्रीम एक्स है उसकी आती है 1845 पे, जो कोर स्पीड है तो हल्का सा स्लो है, जस्ट फॉर द अपडेट मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। कुछ घंटे में वो आने वाला है, कोरियर में है वो, तो बात हो चुकी है, कुछ घंटे में आने वाला है, फिर अनबॉक्सिंग भी करेंगे हम उसकी। इरादा तो यही है, और फिर थोड़ा मास्क वास्क पहन के रहना है, क्योंकि तो सेफ्टी इज द नंबर वन प्रायोरिटी, यू नो। तो आई गेस मैं मिलता हूँ आपको जब इंस्टॉल हो रहा होगा ग्राफिक कार्ड, क्योंकि तब शूट करना है मुझे, और अभी उससे पहले अनबॉक्सिंग भी करनी है। तो सी यू गाइस इन मोर वीडियोस लाइक दिस। ओके, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला मेरा कार्ड है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सुप्रीम, और इसकी जो स्पीड है वो है 1785, और गेमिंग एक्स ट्रियो की आती है स्पीड 1770, और सुप्रीम एक्स की है 1845। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, मुश्किल से 1 FPS का अंतर होगा बस, तो जो कि बात अच्छी है। बट इसका पावर कंजप्शन 4400 वॉट है और मेरे वाले का 350 है, तो ओवरक्लॉकिंग में शायद तक मैं इतनी पावर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इस कार्ड से, तो थोड़ा सा शायद 3090 के आसपास ही रहना पड़ेगा मुझे। 3090 को थोड़ा पार नहीं कर सकते, उसी के आसपास, मतलब किसी गेम में 1-2 FPS ज़्यादा होगी, किसी में 1-2 FPS कम होगी, लेकिन उसी के आसपास रहने वाला हूँ मैं, तो जो कि बात अच्छी है। ओके गाइस, अपेरेंटली मेरे को सुप्रीम एक्स मिल गया। वो सुप्रीम एक्स की प्राइस जो थी 172,500 थी, लेकिन ये उससे 3,500 ज्यादा महंगा है सुप्रीम एक्स, लेकिन मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूं। बस 3,500 में क्या जाता, 3,500 ऐसे पुश पुश, जब 1,70,000 कोई उड़ाएगा तो 3,500 ऐसे देखेगा क्या कोई, तो बस 3,500 रुपए का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं, तो मैंने कहा आए, उसने मुझे फोटो भेज दी, वो शिप कर माध्यम भेज रहा है अपने बंदे के साथ, और क्या कहते हैं 2:30 से 3 बजे तक आ जाएगा, अभी 12:10 के आसपास हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 बजे तक सो जाऊं, जैसे मैं फ्रेश रहूं पूरे दिन भर, क्योंकि फिर मेरे को रात तक जगना है, मेरे को विंडो डालनी है वापस से, कल फोर्टनाइट के लिए प्रिपरेशन करनी है। मैं नहीं चाहता कि पुराने ग्राफिक का कुछ भी जंक पड़ा रहे जब मैं फोर्टनाइट खेलूं कल, तो यू नो व्हाट आई मीन। बट अभी वेट करते हैं, आने वाला है फाइनली मेरा GPU अपग्रेड, तो मजे आ जाएंगे, अब तो पार्टी बनेगी पार्टी। कल देखो भी फोर्टनाइट की स्ट्रीम पे कल आना मत भूलना, क्योंकि फिर उस पे गिव अवे होंगे फोर्टनाइट के व्यूवर से, तो मेक श्योर टू कम टुमारो, एंड अनबॉक्सिंग भी आएगी, पहले अनबॉक्सिंग आएगी इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा एडिट करने में टाइम लगेगा मुझे, तो ये थोड़ी लंबी है और थोड़ा वीलॉग स्टाइल में, तो थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे वो करूंगा, तो समझ जाओगे आप। बट सी यू गाइज ऑन द अदर साइड।
ओके गाइस, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये आ चुका है हमारा सुप्रीम एक्स आरटीएक्स 3080 टीआई और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ और अभी मैंने चला लिया, गेम भी टेस्ट कर लिया। फोर्टनाइट में मुझे अराउंड 950 टू 1000 एफपीएस आ रही है क्रिएटिव में, और पब्लिक में अभी टेस्ट नहीं किया मैंने, और कोई गेम करा नहीं है मैंने टेस्ट। ओवरक्लॉक अभी टेस्ट किया नहीं है, और अभी बस सब कुछ बैकअप लेना है पीसी में, फिर उसके बाद मैं एक्चुअली क्या कहते हैं विंडोज डालूंगा, उसके बाद आई बिलीव सो और भी ज्यादा एफपीएस आएगी, क्योंकि अभी पिछले ग्राफिक कार्ड का थोड़ा कैश वगैरह रहता है, तो वही सीन है। मैंने चश्मा उतार दिया था, थोड़ा अजीब लग रहा होगा मेरे को बिना चश्मे के देख के, बट मैंने इसलिए उतार दिया, मैंने मास्क पहन रखा था और चश्मे के वो फॉग हुए जा रहा था बार बार, तो मुझे दिख नहीं रहा था बार बार, फिर मुझे ऐसे वो और ऊपर से बाल आ रहे थे, तो ऐसे बाल करता और वो मास्क यहाँ तक आ रहा था, तो मैं जैसे बाल करता तो हल्का सा उंगली बाहर की साइड लग जाती थी मास्क के, जो कि अच्छी बात नहीं है, नहीं लगनी चाहिए बाहर की साइड, अगर लगे तो हाथ धो। तो मैं अब तक 5 बार धो चुका हूँ हाथ, आई बिलीव सो, क्योंकि कुछ ना कुछ मैंने छुआ, फिर हाथ धोए, फिर छुआ, फिर हाथ धोए टाइप हुआ, तो अभी थोड़ा सैनिटाइज होगी ये चीजें। और ग्राफिक कार्ड लग चुका है जैसे आप लोगों ने देख लिया है, और आई गेस अब मैं मिलूंगा आपको कल की स्ट्रीम में। अभी ये वीडियो, पहले ये वाली वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो जाएगी, अनबॉक्सिंग भी रिकॉर्ड की है मैंने अच्छी खासी, बट मैंने वो बहुत थोड़े से रश में की थी रिकॉर्ड, तो वो जल्दी भी खत्म हो गई, ये बात अच्छी है, लेकिन मैं सारी डिटेल नहीं बता पाया, तो थोड़ी डिटेल मैंने इस बार इस वीलॉग में बता दी थी आप लोगों को उसके बारे में, बट आई गेस अब इसको एंड करते हैं। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। अगर आपको ऐसे और वीलॉग चाहिए तो यार कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट पार्ट इसका, और हम करते रहेंगे। और ये ऑब्वियसली 4K में है, तो अगर शुरुआत में 1080p होगा, जब 4K आ जाएगा तब मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट 4K में करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मेरे को ये वीडियो आज ही में डालनी है, और विंडो भी आज ही में डालनी है, और सारी कॉपी भी करनी है फाइल, तो काफी टाइम है, तो मैं 1080p में जब हो जाएगी, या तो ऐसा होगा ये वाली वीडियो कल आएगी और अनबॉक्सिंग आज आ जाएगी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा थक भी गया हूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम खड़ा रहा था, मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया, आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे ग्राफिक कार्ड का, पहले तो ब्लोअर से पूरा धूल मिट्टी निकाली, फिर उसके बाद लगा, और पहले तो क्या होगा मैंने बाद में एक सेकेंड मैंने बाद में इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि उसका सीन ये हुआ था कि जो एक केबल लगाई थी पीसीआई वाली वो खराब थी, तो जैसे कंप्यूटर का बटन दबाते थे एक लाइट आती थी और कंप्यूटर बंद हो जाता था, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा था, और जैसे वो हटाया तो ऑन हो गया, तो फिर बाद में देखा थोड़ा इधर रिसर्च करी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बाद दूसरी कॉर्सेयर की केबल लगाई, फिर उसके बाद जाके जीपीयू और सब कुछ ऑन हो गया, तो अब क्या कहें, अब तो रेंडर यू होने वाले हैं, वीडियो आने वाली है, 360 fps गेमिंग होने वाली है, वॉर जोन 120 या 140 पता नहीं कितनी fps आने वाली है, तो भाई अपन के तो मजा होगा, आई होप आपके साथ मजा आया होगा। मैं किधर देखूं इधर देखते हैं, बट आई होप यू गाइस एंजॉय इट, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में आई गेस, क्योंकि अब वीलॉग तो थोड़ा टाइम बाद है, क्योंकि कुछ करने के लिए है नहीं, ग्राफिक कार्ड का सीन था, मैंने कहा शूट कर लेते हैं आप लोगों को, थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा इनसाइड पोरू 99's लाइफ ले चलते हैं, क्या सीन हुआ। मैंने 2 मास्क पहन रखे थे जब वो आ रखा था, मैंने पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया, मैंने एक तो नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहना था और एक N95 करके जो मास्क आता है, जो पैरेट जैसा या कुछ ऐसा होता है जो ऐसे आगे से निकला होता है, मैं क्या बोलूं उसको मेरे को खुद ही नहीं पता, बट मैंने वो ड्यूअल मास्क पहने हुए थे और मेरे ऐसे पसीने यहाँ से ऐसे टप टप करके गिर रहे थे नीचे, और जबकि मैंने एसी चला रखा था तब भी टप टप करके गिर रहे थे, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, पता नहीं किस रीजन से गर्मी लग रही थी, आई डोंट नो, बट लग रही थी तो लग रही थी, अब क्या कर सकते हैं, बट सी यू गाइस, मैं लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूँ तो चले जा रहा है, बट आई होप यू एंजॉय इट, प्लीज 499 नाउ। We'll be right back.